सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल मेरे दोस्त, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। सो पीपल, मैं खड़ा हूँ अभी अलीगढ़ पार करके अलीगढ़ के आउटस्कर्ट पे, और मुरादाबाद की रोड पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से जो मुझे दिख रही है मुरादाबाद है, और वो हो गया बचा है करीब, ये चला दो यार, देख लो भाई। ट्रैक्टर वाले भी बाई गॉड ऐसा भगाते हैं ना, आदमी की झंझनाहट निकल जाए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मुरादाबाद रह गया यहाँ से अभी करीब करीब 150 किलोमीटर, तो और टाइम हो रहा है भाई साहब डेढ़ बज गए हैं एग्जैक्टली, तो मुझे 3 घंटे के आसपास लग जाएगा मुरादाबाद पहुंचने में, या 2.5 घंटे, देखते हैं। वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इस रूट पे, इस सड़क पे ना पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है नहीं रोड है कैसे, 2 लेन है या 4 लेन है, उसका कुछ आइडिया है नहीं। तो चलो चलते हैं, अब यहाँ से चलेंगे मुरादाबाद, रुकेंगे वहाँ पे, दीपक मिलेगा तो वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी तो मैंने आगरा में जो मुकुल ने मुझे भिड़ई खिलाई थी, देखी थी ना भिड़ई, वही खाई हुई है, और उसके बाद से तो चले ही जा रहे हैं बस। चलिए चलते हैं मुरादाबाद में, बात करते हैं आपसे। तो भाई जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, मैं मुरादाबाद पहुंच गया हूं, और मुरादाबाद में मिल गया है मुझे ये शख्स जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, दीपक। रिश्ते में तो ये मेरा साला भी लगता है, और ये मेरे साथ राइड कर रहा है पहली बार। हेलो, इनबॉर्न राइडर के साथ। तो इन्हें जलवे दिखाएंगे राइड के, राइड कराएंगे पहाड़ों में, नैनीताल घुमाएंगे। अब यहाँ से नैनीताल कुछ 110 किलोमीटर रह गया है, और 4:45 बज गए हैं, 4:30, तो 2 घंटे शायद लगेंगे हमें, मालूम नहीं। फिर वहाँ जाके रुकते हैं, फिर अब रास्ते में बात करते हैं, निकलते हैं यार, बहुत गए बाइक, और 400 किलोमीटर हो गया है ना। चलो चलो भैया, शॉर्ट ब्रेक का टाइम ख़त्म, बज रहे 4:45, अब हमें निकलना है नैनीताल की तरफ। आया, ये सड़क तो अच्छी है, और जो मुझे बाइक और ये रोड था, मुझे इस रोड के बारे में आइडिया तो था नहीं। तो आगरा तक तो मैं 4 लेन में आया ग्वालियर से आगरा, और आगरा से यहाँ तक मुरादाबाद तक सिंगल रोड, बकाए बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। आ थू मुरादाबाद कुछ नहीं होता है, मुरादाबाद होता है। पीछे आ रहा है हमारे दीपक भैया, और देखो दिख रहे होंगे कार में हमारे दीपक भैया। होटल मिल जाएगा ना, सब कुछ मिलेगा आपको, हलवे मिल जाएगा। और ये देखो भाई, 2 सब्सक्राइबर्स मिले अभी अभी, प्यारे प्यारे से। नाम बताओ यार दोस्तों। मिस्टर मोहम्मद अनस। वाह यार, मोहम्मद भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना? यस सर, कर लिया। चलो, आप लोग का वीडियो आएगा 7-8 दिन बाद, देख लेना, उसको बेल नोटिफिकेशन दबा देना, तो आते ही पता चल जाएगा क्या। और तुम दोनों की फ़ोटो डालूंगा थंबनेल में, ठीक है? तो गाइस, अपडेट ये है कि हम नैनीताल पहुँचे नहीं, दो कारण, पहला तो सर्दी हो गई थी, दूसरा अंधेरा। इसीलिए हमने प्लान किया कि बासपुर करके एक जगह है, कुछ 60 या 65 किलोमीटर पहले है नैनीताल से, तो वहाँ पे हम रुक गए हैं अभी, एक होटल ले लिया है। और ये होटल का कमरा मैं दिखाता हूँ, देखो आप, ये कमरा है, और ये कमरा जो मुझे पड़ा है ना, वो 1200 रुपीज़ का कमरा है। सो 600 रुपये पर हेड हमें पड़े, और इसमें उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दिया है। और मैंने उसको बोला कि भाई कुछ और कर दो, तो उन्होंने कहा कि साहब आप डिनर करोगे तो हम 20% डिस्काउंट कर देंगे। मैंने कहा गुड, वेरी गुड, इतना ही बहुत है। और ये इस कैलॉन होटल नाम है, ये वॉशरूम्स हैं, ठीक है, साफ सुथरा है, गुड इनफ। हम तो ये ब्लैंकेट्स शायद ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अपने स्लीपिंग बैग लाए हुए हैं कोरोना काल के डर के मारे हुए। चलो थोड़े से सेटल होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।
तो भैया दिन की शुरुआत चाय टोस्ट के साथ कर ली है, फॉग कम हो गया है, हल्की हल्की धूप भाई लोग आई है अभी ज़रा ज़रा सी, वो देखो वहाँ से झांक रहे हैं सूरज जी। बस यहाँ से हम अब निकलेंगे सीधा हल्द्वानी होते हुए नैनीताल, 63 या 64 किलोमीटर्स है बस, ज़्यादा है नहीं यहाँ से। मेरी गाड़ी मेरा टैंक बैग बार बार टेढ़ा हो जा रहा, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है इसको। और मेरी राइड हो गई है ग्वालियर से 460 किलोमीटर्स। वाह, चलो दीपक भैया भी आ गए, दीपक भैया उसी में तुम रिकॉर्ड हो रहे हो अभी। चलो अब है ठंडी चिल्ड, एकदम ठंडी हवा है, जो मेरे कैमरे का वाइजर खोला हुआ है तो मेरे मुंह पे पड़ रही है, एकदम चिल्ड हवा। नहीं ये तो ठीक ही ठंड होगी, बट ठंड अच्छी है, अच्छी है। अब तो देखो मैंने बदल दिया, मैंने ना बैटिंग ग्लव्स हटा के ये वाले पहन लिए है, ये है सर्दी बचाओ ग्लव्स। लेटेस्ट अपडेट, दीपक के भाई का ना थोड़ा सा एक कोई नट ढीला सा हो गया है, वो ठीक कराने रुके हैं हम। ये तो राइड का ना एक हिस्सा होता है, चलते रहता है ये सब, नट ढीला नट टाइट ये वो नाटक नौटंकी। चलो ये काम तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो बासपुर लगभग लगभग निकल गया है और अब नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे हल्द्वानी, वहाँ से कोई व्यू पॉइंट है हिमालयन दर्शन, तो पहला डेस्टिनेशन वो है, फिर वहाँ जाके तय करेंगे आगे क्या करना है, तो तय तो कुछ है नहीं हमारा अभी। पेट्रोल पंप में रुकना हुआ था, देखो सबसे सिटी है ना जो बाइक की पेट्रोल, तो हमने पेट्रोल को कर लिया है टंकी को फिर से फुल एकदम, ताकि कमी की ज़रूरत नहीं पड़े। चश्मा लगा रहा हूँ स्टाइल से, देखो जरा ये चश्मा गया है लग, अब पहनेंगे ग्लव्स सर्दियों वाले ताकि सर्दी लगे नहीं। इसकी बैटरी की लाइट जलने लग गई है, यहाँ 2-2.5 किलोमीटर के बाद रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, अगर मिलती है तो मैं चेंज ही करा दूँ, बता बीच में ठंड में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, मिली नहीं ना बैटरी, सब ठीक है सब ठीक है। तो बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है अभी, प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो जब चालू करता हूँ ना तो वो इंडिकेटर जलने लग जाता है। सबका जलता है ब्लिंक जो करता है? हाँ सबका करता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, सबका करता है। नहीं वैसे भी इसको 3.5 साल हो गया बैटरी को गाड़ी के साथ। नहीं तो अभी दिक्कत दे रही है क्या? अभी तो सेल्फ हो रही है ना अच्छे से, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कहीं के लिए चेक करो।